वेलकम बच्चों बच्चों एक बार फिर से स्वागत है आपका। और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं 9B इनइक्वालिटीज इन अ ट्रायंगल। तो चलिए थोड़ा सा बेसिक पार्ट समझ लेते हैं। एक्सरसाइज 9B, देखिए एक ट्रायंगल ABC है, तो सबसे पहली चीज ट्रायंगल कब फॉर्म होगा, जब एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी का सम होगा 180 डिग्री। बच्चों ट्रायंगल फॉर्म होने के लिए जरूरी कि तीनों एंगल का सम क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। साथ में किन्हीं दो साइड का सम ए बी प्लस बी सी ग्रेटर देन होना चाहिए थर्ड साइड से, या फिर बी सी सी ए ए बी सी ए प्लस बी सी सॉरी ए बी बी सी हो गया, बी सी सी हो गया, सी ए ए बी ग्रेटर देन बी सी। बच्चों ये कंडीशन होनी चाहिए। एक ट्रायंगल फॉर्म कब होगा, तो ट्रायंगल की खास बात क्या, तीनों एंगल का जो सम है 180 डिग्री होता है और किन्हीं भी दो साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए। बच्चों आज हम लोग 9B स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलिए आते हैं एक्सरसाइज पे। RS अग्रवाल, एक्सरसाइज 9B। बच्चों यहां पर हम लोग 9B स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट नंबर 1। 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर एक ट्रायंगल की 3 साइड दी गई हैं। आप ध्यान दें 5 + 4 = 9, थर्ड साइड मिल गई आपको, तो यहां पर ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा बिकॉज सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज नॉट ग्रेटर देन थर्ड साइड, दो साइड का सम तीसरी से बड़ा होना चाहिए जबकि यहां पे क्या है इक्वल, तो ये ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा। सेकेंड पार्ट में बच्चों 8 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर 3 साइड दी गई हैं। दो साइड का सम आप देख सकते हैं तीसरी से बड़ा आ रहा है कि नहीं भी दो साइड का सम, ठीक है, तो यहां पर ट्रायंगल फॉर्म होगा बिकॉज सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। तो बच्चों बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। इसका जो थर्ड पार्ट है यहां पर बच्चों साइड दी गई है 10, 5 और 6, 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। यहां पे आप देख सकते हो दो साइड का सम सिंस 10 + 5 ग्रेटर है 6 से, 5 + 6 ग्रेटर है 10 से और 6 + 10 ग्रेटर है 5 से। आप देख सकते हैं किन्हीं भी दो साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा आ रहा है, तो आंसर क्या होगा यहां पर ट्रायंगल फॉर्म होगा, ठीक है ट्रायंगल बनेगा। रीजन क्या दोगे आप, वही रीजन बिकॉज the sum of two sides of a triangle is greater than third side। बच्चों ये क्लियर हो गया होगा आपको बिल्कुल कि किन्हीं भी दो साइड का सम तीसरी से बड़ा आ रहा है, इसका मतलब यहां पर ट्रायंगल बनेगा। तो बच्चों बढ़ते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। बच्चों फोर्थ पार्ट है 2.5 सेंटीमीटर,
5 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन को भी हम लोग बिल्कुल उसी तरह से करने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि इन्हीं दो साइड का सम सिंस 2.5 प्लस 5 इज ग्रेटर देन 7 है, फाइव प्लस सेवन ग्रेटर देन 2.5 है एंड 7 प्लस 2.5 ग्रेटर देन 5। बच्चों यहां देख सकते हो दो साइड का सम तीसरी साइड से ग्रेटर आ रहा है, इसका मतलब यहां पे भी ट्रायंगल फॉर्म होगा। बच्चों यहां देख सकते हैं तीन साइड और दो साइड का सम तीसरी से ग्रेटर है, तो यहां पे भी आपका आंसर होगा यस, बिकॉज द सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। बच्चों यहां पे भी ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। अब फिफ्थ पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए फिफ्थ पार्ट जहां पर साइड दी गई है 3, 4, 8, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। तो यहां आप देख सकते हो 3 प्लस 4 ग्रेटर देन 8 नहीं है। आप देख सकते हैं दो साइड का सम तीसरी साइड से ग्रेटर नहीं है, देयरफोर आंसर क्या होगा आपका, रीजन क्या दोगे, बिकॉज द सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज नॉट ग्रेटर देन थर्ड साइड, ये इसका रीजन। बच्चों क्लियर हो गया होगा आपको क्वेश्चन नंबर 1। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। बच्चों यहां देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2, इन ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल एबीसी है जहां पर एंगल ए दिया है 50, एंगल बी दिया है 60, डिटरमिन द लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल। आपको सबसे बड़ी वाली साइड और सबसे छोटी वाली साइड को पता करना है कौन सी होगी। क्वेश्चन नंबर 2, आपको एक ट्रायंगल दिया गया है, ट्रायंगल ए बी सी। इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए इज इक्वल 50 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल 60 डिग्री। बच्चों ट्रायंगल ए बी सी में दो एंगल आपको दिए गए हैं। अब हम लोग जानते हैं एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी का सम होता है 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। तीनों एंगल का सम 180 के इक्वल होता है, ए 50 डिग्री है, बी 60 डिग्री है, सी पता कर लेते हैं इससे। बच्चों ये हो जाएगा 110 डिग्री प्लस एंगल सी 180 डिग्री, देयरफोर एंगल सी आपका आ गया 70 डिग्री। देखिए 180 में 110 माइनस हो जाएगा तो ये 70 डिग्री आ गया। अब बच्चों ध्यान दें यहां पर एंगल सी सबसे बड़ा है, उससे छोटा है
एंगल बी और सबसे छोटा एंगल ए। एंगल सी सबसे बड़ा 70, बी उससे छोटा है 60 और ए सबसे छोटा। एंगल सी के सामने की साइड सबसे बड़ी होगी। आप एक ट्रायंगल फॉर्म कर लें यहां पर, ए बी सी, तो एंगल सी के सामने साइड है ए बी। लॉन्गेस्ट साइड हो जाएगी बच्चों ए बी और शॉर्टेस्ट साइड ये हो जाएगी बी सी। तो आपने यहां से देख लिया सबसे बड़ी साइड आपकी ए बी है और सबसे छोटी साइड बी सी है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर टू। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ। नंबर थ्री देखिए, क्वेश्चन नंबर थ्री क्या है। इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए गिवन है आपको, विच इज लॉन्गेस्ट साइड। सेकेंड पार्ट में ए और बी गिवन है, विच इज लॉन्गेस्ट साइड। थर्ड में ए गिवन है, सी गिवन है, विच इज शॉर्टेस्ट साइड। तो थ्री पार्ट है क्वेश्चन नंबर थ्री में, एक एक करके तीनों पार्ट को समझते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर थ्री पार्ट नंबर वन, आप ध्यान दें यहां पर ट्रायंगल एबीसी में, इन ट्रायंगल एबीसी आपको गिवन है एंगल ए इज इक्वल 90 डिग्री। आपसे पूछा है विच इज लॉन्गेस्ट साइड। बच्चों आप ध्यान दें, सिंस एंगल ए एंगल बी और एंगल सी इज इक्वल 180 डिग्री होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी, आप सबको पता है कि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अब बच्चों यहां पर ध्यान दें, ए 90 डिग्री है, बी प्लस सी इज इक्वल 180 डिग्री। तो यहां से आपको मिल जाएगा एंगल बी और एंगल सी इज इक्वल 90 डिग्री। देखिए 180 से ये 90 उधर जाके माइनस होगा तो 90 डिग्री बचेगा। यहां से क्या क्लियर है, देयरफोर जो एंगल बी है वो ए से छोटा है और एंगल सी भी छोटा है ए से। भाई सीधी सी बात है, बी और सी दोनों का सम 90 के इक्वल है और ए खुद 90 है, इसका मतलब बी भी ए से छोटा होगा और सी भी ए से छोटा होगा। तो यहां पर ये क्लियर हो गया कि सबसे बड़ा एंगल जो है वो ए है। देयरफोर एंगल ए इज, एंगल ए इज ग्रेटेस्ट एंगल। बच्चों ये सब क्लियर हो गया होगा आपको। और आप सब इस वीडियो को देखने के पहले इसके पिछले वीडियो जरूर देखें ताकि चीजें आपको सीक्वेंस से समझ में आती जाए। सेकेंड पार्ट देखेंगे इसका। सेकेंड पार्ट ध्यान दें, इन ट्रायंगल एबीसी आपको गिवन है एंगल ए इज इक्वल है एंगल बी इज इक्वल है 45 डिग्री। अब बच्चों आप जानते हैं एंगल ए एंगल बी और एंगल सी इज इक्वल 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। बच्चों यहां से आप ए की जगह लिख सकते हैं 45 डिग्री, बी की जगह 45 डिग्री, सी आपको नहीं पता है, देयरफोर एंगल सी बच्चों आ जाएगा 90 डिग्री। 45 45 90 उधर जाके माइनस होगा तो 90 बचेगा।
तो आप ध्यान दें, सिंस एंगल सी ग्रेटर है एंगल ए से एंड एंगल सी ग्रेटर है एंगल बी से, इसका मतलब जो एंगल सी है वो आपका ग्रेटेस्ट एंगल है, देयरफॉर एंगल सी इज ग्रेटेस्ट एंगल। और बच्चों आपको पता है जो एंगल ग्रेटेस्ट होगा उसके सामने की साइड भी सबसे ग्रेटेस्ट होगी, और आप सबको पता है कि ट्रायंगल ए बी सी, सी के सामने साइड होती है ए बी, देयरफॉर ए बी इज लॉन्गेस्ट साइड, ए बी इज लॉन्गेस्ट साइड। ये पार्ट क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। थर्ड पार्ट में देखिए आपको गिवन है इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए 100 डिग्री है बच्चों, एंगल सी 50 डिग्री है। आपसे पूछा है विच इज शॉर्टेस्ट साइड, सिंस एंगल ए एंगल बी एंगल सी इज इक्वल 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, ए 100 डिग्री बी अननोन सी 50 डिग्री, देयरफॉर वी विल गेट एंगल बी इज इक्वल 150, इट मींस बी इज इक्वल 30 डिग्री। बच्चों ध्यान दें, एंगल ए सबसे ज्यादा है, उससे छोटा एंगल सी और सबसे छोटा है, ये साइन लगेगा गेट, सबसे छोटा एंगल बी, तो सबसे बड़ी साइड है जो ए के सामने होगी। देख लें आप ट्रायंगल में ए बी सी, तो ए के सामने की साइड बी सी सबसे बड़ी होगी और बी के सामने की साइड ए सी सबसे छोटी होगी। तो बच्चों यहां पर पूछा गया है शॉर्टेस्ट साइड, तो सबसे छोटा एंगल है, सबसे छोटा एंगल यहां पर बी है, देयरफॉर ए सी इज शॉर्टेस्ट साइड। बच्चों ध्यान दें, फर्स्ट पार्ट में भी साइड ही पूछी गई थी, तो एंगल ए ग्रेटेस्ट एंगल है, जिसके सामने की साइड ए के सामने बी सी होगी, देयरफॉर बी सी इज लॉन्गेस्ट साइड, सबसे बड़ी साइड होगी बी सी। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हो गया, यहां देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, इन ट्रायंगल ए बी सी ए बी इज प्रोड्यूस्ड टू डी सच दैट बी डी इज इक्वल बी सी, एंगल ए इज गिवन 70 डिग्री एंगल बी 60 डिग्री, प्रूव दैट ए डी इज ग्रेटर देन सी डी एंड AD is greater than AC। यह आपको प्रूव करना है कि जो साइड AD है यह CD से भी बड़ी है और AC से भी बड़ी है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बच्चों यहां पर एक ट्रायंगल आपको दिया गया है, ए बी सी और डी
ये साइड इसके इक्वल गिवन है, ये एंगल आपको 70 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो यहां सबसे पहले आपको गिवन क्या है बच्चों, गिवन है एंगल ए 70 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल 60 डिग्री, बी डी इज इक्वल बी सी, और आपको प्रूव करना है ई डी इज ग्रेटर देन सी डी एंड ए डी इज ग्रेटर देन ए सी, ये बच्चों आपको प्रूव। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सबसे पहले ट्रायंगल ए बी सी में देखे ध्यान से, आपको यहां पर एंगल ए गिवन है 70 डिग्री, बी गिवन है 60 डिग्री। बच्चों यहां पर इन ट्रायंगल एबीसी में देखें, इन ट्रायंगल एबीसी एक एंगल 70 डिग्री दिया आपको, दूसरा एंगल 60 है, तीसरा एंगल एसीबी फाइंड आउट करना इज इक्वल 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल बच्चों ये हो जाएगा 130 प्लस एसीबी इज इक्वल 180 और एंगल एसीबी इज इक्वल 50 डिग्री। बच्चों ये आपने पता कर लिया है 50 डिग्री। अब आप ध्यान दें ये 60 है तो हम लोग ये वाला एंगल आसानी से निकाल सकते हैं, सिंस एंगल सी बी डी एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल अपोजिट इंटीरियर सम के एंगल के इक्वल होता है, या फिर ये एक स्ट्रेट लाइन है तो इनका सम 180 होना चाहिए। तो आप लिखेंगे एंगल एबीसी प्लस एंगल सी बी डी इज इक्वल 180 डिग्री, रीजन लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। बच्चों ए बी सी ये 60 है, सी बी डी अननोन है, बच्चों यहां से एंगल सी बी डी आ गया आपका 120 डिग्री, तो आपने ये पता कर लिया 120 है। अब आप ध्यान दें ये साइड इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, यहां पर आप लिख सकते हैं सिंस एंगल और सिंस बी सी इज इक्वल बी डी, इनके अपोजिट एंगल बी सी के सामने एंगल बी डी सी इक्वल होगा बी डी के सामने एंगल बी सी डी, साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, सिंस और इन ट्रायंगल बी सी डी। आप ध्यान दें एंगल बी सी डी प्लस एंगल CBD प्लस एंगल BDC
इज इक्वल 180 होगा। एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम इक्वल होता है, सॉरी 180 होता है, एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। यहां पर बी सी डी अननोन है, प्लस सी बी डी ये आपका 120 है। बच्चों BDC की जगह BCD लिख सकते हैं, इज इक्वल 180 डिग्री। तो यहां पर आ गया टू एंगल BCD इज इक्वल 180 में 120 माइनस हो जाएगा बच्चों, ये 60 बचेगा। अब आप ध्यान दें, यहां से आपको एंगल BCD मिल जाएगा 30 डिग्री, और जो इक्वल किसके है, BDC के। बच्चों यहां पे आपने पता कर लिया कि ये एंगल 30 डिग्री है और ये वाला एंगल भी 30 डिग्री होगा। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। बच्चों यहां देख सकते हैं आप, जो एंगल इन ट्रायंगल ACD ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है इसकी बात कर रहे हैं। यहां पर एंगल A 70 डिग्री है, एंगल B आपका सॉरी एंगल D आपका 30 डिग्री है, और एंगल C आपका 50 प्लस 30 यानी 80 डिग्री है। ये अभी आपने फाइंड आउट कर लिया कंप्लीट एंगल A एंड एंगल D एंड एंगल C। अब ध्यान दें, यहां पर एंगल C सबसे ग्रेटर है, सबसे बड़ा है, उससे छोटा है A और सबसे छोटा एंगल D, इसलिए देयरफोर एंगल C के सामने साइड AD सबसे बड़ी होगी, एंगल A के सामने की साइड CD उससे छोटी होगी, और सबसे छोटी होगी एंगल D के सामने की साइड यानी AC। अगर इसको इंडिविजुअल लिखें तो आप लिख सकते हैं AD इज ग्रेटर देन CD एंड AD इज ग्रेटर देन AC। बच्चों यही पार्ट आपको प्रूव करने थे। ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से, और बहुत ध्यान से देखें इन वीडियोस को, साथ में खुद भी करते चलें क्वेश्चंस को, तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आप देख सकते हैं, एक फिगर आपको दिया गया है, यहां पर आपको एंगल बी प्रूव करना है एंगल ए से, सॉरी ये गिवन है एंगल बी लेस देन एंगल ए और एंगल सी लेस देन एंगल डी, आपको प्रूव करना है ए डी लेस देन बी सी, आपको ये प्रूव करना है, ये फिगर आपको गिवन है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यहां पर आपको फिगर दिया गया है इस तरह से, ये पॉइंट बी है, वर्टेक्स बी है, ए है, ओ है, डी है और सी है। तो सबसे पहले लिखें गिवन क्या है आपको। बच्चों यहां पर गिवन है एंगल बी लेस देन एंगल ए, लेस देन एंगल ए, एंड एंगल सी इज लेस देन एंगल डी। इन एंगल्स में आपको रिलेशन दिया गया टू प्रूव, आपको प्रूव क्या करना है। बच्चों यहां पर आपको प्रूव करना है
एडी ग्रेटर देन बीसी, ये आपको प्रूव करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रूफ। आप ध्यान दें, इन ट्रायंगल ए ओ बी, इन ट्रायंगल ए ओ बी आपको गिवन है यहां पर आपको गिवन है कि एंगल बी, एंगल बी लेस देन एंगल ए से। बच्चों बी के सामने क्या होगा, ए ओ, और ए के सामने बी ओ। इसको नंबर वन बना लेते हैं, आपको पता है एंगल बी के सामने की साइड ए ओ होगी और ए के सामने बी ओ। बच्चों इसी तरह से इन ट्रायंगल सी ओ डी, इन ट्रायंगल सी ओ डी आप लिखोगे एंगल सी लेस देन एंगल डी, आपको गिवन है। देयरफोर एंगल सी के सामने होगा ओ डी लेस देन डी के सामने होगा ओ सी। हमें कंप्लीट साइड शामिल करनी तो दोनों को ऐड कर दिया जाए, तो यहां पर एडिंग वन एंड टू वी गेट, दोनों को ऐड करते हैं तो क्या मिलता है, ध्यान दें, ए ओ प्लस ओ डी लेस देन बी ओ प्लस ओ सी। बच्चों ए ओ और ओ डी मिलाकर हो जाएगा ए डी लेस देन बी और ओ सी, ये हो जाएगा बी सी। बच्चों यही आपको प्रूव करना था, तो आसान सा क्वेश्चन था, हेंस प्रूव। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव की तरफ, सॉरी क्वेश्चन नंबर सिक्स। देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्स, आपको एक फिगर दिया गया है, ए बी एंड सी डी आर रिस्पेक्टिवली स्मॉलेस्ट एंड लॉन्गेस्ट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, शो दैट एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल सी एंड एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल डी, ये आपको प्रूव करना है। यहां पर ए बी सबसे छोटी साइड दी गई है और सी डी सबसे बड़ी साइड दी गई है और आपको ये प्रूव करना है। चलो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स। देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्स, यहां पर आपको एक फिगर दिया गया है, ड्रॉ कर लेते हैं उसको। ए बी सी और डी गिवन, आपको गिवन क्या है, तो आपको यहां पर दिया गया है इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ए बी जो है वो स्मॉलेस्ट साइड है और सी डी
ये लार्जेस्ट साइज बच्चों, ये इंफॉर्मेशन आपको दी गई है। आपको प्रूव क्या करना है, एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल सी एंड एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल डी। ये आपको प्रूव करना है। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। यहां पर कंस्ट्रक्शन करेंगे, कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, ए सी को हमने सी से ज्वाइन करा दिया, ज्वाइन ए सी, आपने ए से सी को ज्वाइन करा। अब बात करेंगे ट्रायंगल एबीसी की, इन ट्रायंगल एबीसी आपको गिवन है जो ए बी है वो सबसे छोटी साइड है। इसका मतलब बाकी बची साइड क्या होंगी, बड़ी होंगी। तो हमने यहां पर ले लिया बी सी ग्रेटर देन ए बी, ये गिवन है। अब BC के सामने एंगल होगा BAC, एंगल BAC ग्रेटर देन एंगल AB के सामने ये वाला, तो BCA या ACB भी कह सकते, ACB, इसको वन बना लिया। अब बच्चों ध्यान दें, हमने BC और AB साइड क्यों ली, AC को क्यों नहीं लिया। आप ध्यान दें, आपको A ग्रेटर देन प्रूव करना है C से, तो हमें ये वाला एंगल चाहिए। ये एंगल कब इंक्लूड होंगे, जब BC लेंगे तो ये एंगल आएगा और जब AB लेंगे तब ये एंगल आएगा। इस वजह से हमने इन दोनों साइडों को लिया है। इन ट्रायंगल ADC ट्रायंगल ईडीसी की बात करेंगे यहां पर, तो आप लिखोगे सिंस जो सीडी है वो लार्जेस्ट है, ये गिवन है, सीडी लार्जेस्ट है, और दूसरी साइड लेंगे ईडी। यही साइड क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें ये एंगल लेने हैं, गिवन हो गया। बच्चों सीडी के सामने क्या होगा, सीडी के सामने ये वाला एंगल होगा, इसको लिखेंगे डी ए सी, एंगल डी ए सी ग्रेटर देन ईडी के सामने ये वाला एंगल, इसको ए सी डी लिखेंगे नंबर। बच्चों हमने ये वाला एंगल ले लिया, एंगल ले लिया, तो अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमें कंप्लीट एंगल मिल जाएगा। तो आप लिखेंगे एडिंग वन एंड टू, एडिंग वन एंड टू। बच्चों यहां से मिलेगा बी ए सी प्लस डी ए सी ग्रेटर देन ए सी बी प्लस ए सी डी। आप ध्यान दें, बी ए सी यानी ये वाला एंगल और डी ए सी ये वाला एंगल दोनों ऐड होंगे तो एंगल ए कंप्लीट हो जाएगा, एंगल ए हो जाएगा। और इसी तरह से ए सी बी और ए सी डी ये कंप्लीट एंगल हो जाएगा। ये आपने प्रूव कर दिया, एक पार्ट आपने प्रूव कर दिया। अब इसका जो सेकंड पार्ट है उसकी बात करते हैं।
एक बार इसको फिर से ड्रॉ कर लेते हैं फिगर को। ए बी सी और डी। सेकेंड पार्ट में आपको एंगल बी ग्रेटर देन एंगल डी प्रूव करना है। तो अब हम बी डी को ज्वाइन करेंगे। बी डी को ज्वाइन कर दिया यहां पर। अब फिर से दोनों ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी। बच्चों आपको क्या दिया गया है? आपको दिया गया है ए बी छोटी साइड है, इसका मतलब ए डी ग्रेटर होगी। सिंस ए डी इज ग्रेटर देन ए बी, ये आपको गिवन है। अब ई डी के सामने ये वाला एंगल है ए बी डी, एंगल ए बी डी ग्रेटर देन ए बी के सामने ए डी बी नंबर वन। अब बच्चों फिर से ये क्यों लिया? क्योंकि अब हमें एंगल बी और डी को लेना है, तो साइड हम ए बी लेंगे और ए डी लेंगे। इसी तरह से इन ट्रायंगल सीबीडी, इन ट्रायंगल सीबीडी। बच्चों यहां पर आपको दिया है सीडी ग्रेटेस्ट है, सिंस सीडी साइड बड़ी है किससे? बीसी से, ये गिवन है आपको। अब सीडी के सामने एंगल लेंगे सीबीडी, एंगल सीबीडी ग्रेटर देन बीसी के सामने BDC नंबर दो। दोनों को ऐड कर दें सेम उसी तरह से एडिंग। देखिए वन टू दे चुके थे, तो इसको थ्री और इसको फोर बना दें, एडिंग थ्री एंड फोर वी गेट। बच्चों क्या मिलेगा आपको? मिलेगा एंगल ABD प्लस सी बी डी ग्रेटर देन एंगल ए डी बी प्लस बी डी सी। अब ध्यान दें ए बी डी और सी बी डी को मिलाने पर कंप्लीट एंगल बी हो जाएगा, और ए डी बी और बी डी सी को मिलाने पर कंप्लीट एंगल डी हो जाएगा। बच्चों आपको यही प्रूव करना था, तो आपका कंप्लीट हो चुका है क्वेश्चन नंबर सिक्स। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेवन की तरफ।